दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों वनडे सीरीज में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड का घमंड चकनाचूर कर 3-0 से सीरीज में अपना सूबड़ा साफ कर दिया, जिसके बाद बारी है T20 सीरीज की। लेकिन उससे पहले भी टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय फैंस को इतना बड़ा झटका दिया जिसे सुनकर कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए हैं। आखिर सीरीज जीत के बाद ऐसा कौन सा ऐलान कर दिया रोहित ने, उनके बयान का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या में से सबसे खतरनाक बेहतरीन खिलाड़ी कौन है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों टीम के सभी सीनियर खिलाड़ी उनके वापसी के साथ ही एक नए मिशन के साथ टीम इंडिया निकल चुकी है। रोहित की सेना ने पहले बांग्लादेश को वनडे सीरीज में करारी धूल चटाई तो फिर उनके सामने न्यूजीलैंड की नंबर वन बनने टीम जो कि पाकिस्तान को धूल चटाकर हिंदुस्तान आई थी। लेकिन रोहित शर्मा के लड़ाकों ने आगे उनके एक भी ना उनकी किसी की नहीं चली। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें हैदराबाद के मैदान पर सीरीज का बिगुल बज चुका है, जहां पर टीम इंडिया के एक कॉल धाकड़ ओपनर शुभमन गिल ने एक महीने के अंतराल के भीतर ही वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक जड़कर इतिहास रच दिया, जिसकी बदौलत टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को कहीं का नहीं छोड़ा और पहले वनडे मुकाबले में कब्जा जमाया। इसके बाद रायपुर के मैदान पर मेहमान वापसी करना चाहते थे, लेकिन वहां भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज के साथ मोहम्मद शमी के कहर के आगे न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह उड़ गए और कप्तान रोहित की बेहतरीन कप्तानी पारी की बदौलत टीम इंडिया ने बड़ी ही आसानी से मेहमानों को 2-0 से सीरीज में करारी हार का स्वाद चखा दिया। लेकिन दोस्तों रोहित की भूख यहां पर समाप्त नहीं हुई। इंदौर के मैदान पर आया रोहित का असली तूफान, जहां उन्होंने 3 सालों का सूखा खत्म करते हुए चौके छक्कों की बरसात कर दी और 101 रनों को बेहतरीन पारी खेल दी। उनके साथ ही दिल नहीं मिल सकती थी पारी खेली, जिसके बाद बदौलत टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 386 रन का लक्ष्य दिया, जिसके पाना उनके बस की बात नहीं थी और टीम इंडिया ने मुकाबले को भी बड़ी आसानी से अपने नाम कर 3-0 से सीरीज पर अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन दोस्तों अब धमाकेदार बंदे सीरीज के बाद बारी है 3 मैचों की T20 सीरीज की। लेकिन इस अहम सीरीज के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ी टीम का हिस्सा नहीं है। जी हाँ, हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के कप्तान है तो वहीं विराट कोहली को भी इसमें जगह नहीं दी गई है, जो देखना बेहद हैरतअंगेज था। ये फैसला BCCI का रुख साफ जाहिर करता है कि वो विराट कोहली और रोहित शर्मा को अब T20 के लायक नहीं समझते हैं और धीरे धीरे वो युवाओं को भर्ती कर टीम इंडिया के सीनियर खिलाड़ियों की परमानेंट छुट्टी T20 टीम से कर देना चाहते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बाद ये लगातार तीसरी सीरीज है जब सीनियर खिलाड़ियों को T20 में मौका नहीं दिया गया है। दोस्तों इसी को देखते हुए ऐसी खबरें सामने आई हैं कि रोहित शर्मा बहुत जल्द T20 से संन्यास का ऐलान करने जा रहे हैं और वो केवल लंबे फॉर्मेट में टीम इंडिया का नेतृत्व करेंगे और वनडे विश्व कप के साथ एशिया कप में अपना पूरा फोकस डालेंगे। इस खबर ने सामने आते उनके फैंस को झिंझोर दिया। लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि रोहित शर्मा कब अपने संन्यास का ऐलान करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि रोहित और कोहली को T20 में चुना जाना चाहिए था या नहीं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।